हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बीपीएससी 64वीं जिसका एग्ज़ाम 16 दिसंबर को होने वाली है, उसमें 4,71,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बीपीएससी की 64वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 16 दिसंबर को होनी है। राज्य भर में परीक्षा के लिए 808 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पटना में 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 12 बजे से 2 बजे तक चलने वाली परीक्षा में 4,71,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए जिले के सभी डीएम को निर्देश भेजा जा चुका है। परीक्षा से पूर्व एक बार फिर मुख्य सचिव स्तर पर सभी डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिया जाएगा। परीक्षा में किसी तरह का कदाचार नहीं हो सके, इस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। परीक्षा में 1 घंटे पहले सेंटर पर आना होगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड पर सभी तरह के निर्देश परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक अमृत कुमार ने बताया कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान ने कहा है कि 10 दिन शेष बचे हैं। परीक्षार्थियों को नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़े हैं बस उसी का रिवाइज करते रहें, सेट प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों, यह थी कुछ बीपीएससी का न्यूज़। तो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।